सो गाइस, फ़ोटो क्लिक करने का तो सभी को शौक होता है और यहाँ जब बात होती है कि हम लोग फ़ोटो को बहुत ही अच्छे से एडिट करें एंड उन फ़ोटोज़ को एडिट करने के बाद हम लोग उनको यूज़ करना चाहते हैं अपनी सोशल मीडिया पे। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे उन फ़ोटोज़ को यूज़ करने का सबसे मेन मुद्दा होता है कि हम लोग को चाहिए होते हैं फॉलोअर्स, हम लोग को चाहिए लाइक्स एंड अच्छे अच्छे कमेंट। तो अगर आप लोग को भी अपने सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर चाहिए आप लोग को बहुत अच्छे से लाइक, तो आप लोग को सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अच्छी फ़ोटो क्लिक करना एंड फ़ोटो क्लिक करने के बाद उनको बहुत ही अच्छे से एडिट करना होता है। तो अगर आप लोग इन एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कुछ खास ऐप जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं, बट उनमें से कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं अच्छे हैं वो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा टॉप 5 ऐप के बारे में जो एप्लीकेशंस आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर इंस्टॉल कर लेनी है और उसको यूज़ करने से आप लोग की जो एडिटिंग है वो नेक्स्ट लेवल वाली हो जाएगी। मतलब कि आपकी जो एडिटिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, आप लोग उस एप्लीकेशंस का यूज़ करके बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इन ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से एप्लीकेशंस का यूज़ करना है आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर। तो सबसे पहले अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि है बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इससे जो हम लोग की आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनकी जो नोटिफिकेशन होगी आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। तो जाके सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। What's up guys, this is Vikas Verma and welcome back to my another video on my YouTube channel, it's V Tech. So, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग के लिए मैं लाया हूँ एक कुछ एप्लीकेशन जो कि आप लोग को बहुत ही ईजिली प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी और उनको यूज़ करने से आप लोग अपनी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देंगे। तो चलते हैं अपनी एप्लीकेशंस की तरफ। तो यहाँ पे जो 5th नंबर की एप्लीकेशन है जो कि बहुत अच्छी है और वैसे इन सभी एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग ईजिली बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे एंड आप लोग अपनी एडिटिंग को अच्छी कर सकते हैं, जो फ़ोटोज़ हैं उनकी जो हाइलाइट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं और सभी चीज़ को अच्छे से दिखा सकते हैं, उनके कलर्स को एडिट कर सकते हैं, उन पर अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं ये सभी एप्लीकेशंस का यूज़ करके। तो 5वें नंबर की जो एप्लीकेशन है वो है एडोब फोटोशॉप फिक्स, ये आप लोग को इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और ये जो सभी एप्लीकेशन है ये आप लोग को 50 MB के अंदर ही मिल जाएंगी। तो चलते हैं एडोब फोटोशॉप फिक्स के ऊपर और इसके इंटरफेस के बारे में हम लोग कुछ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं और इस पर हम लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग को कुछ इसमें फ़ीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्रॉप का फीचर मिल जाता है। तो इसको यूज़ करने से आप लोग डिफरेंट टाइप्स से जैसे भी आप लोग के में जो फ़ोटो में बेकार चीज़ें उसको आप लोग क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग कुछ जो एक्सपोजर है और कंट्रास्ट है, सैचुरेशन है, शेडो, हाइलाइट्स, ये सब आप लोग एडिट कर सकते हैं एंड इसी तरह से आप लोग को ये स्मूथ, लाइट कलर, पेंट, इन सभी का ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोग डिफोकस करना चाहते हैं मतलब पोर्ट्रेट व्यू में अगर आप लोग किसी फ़ोटो करना चाहते हैं तो उसके लिए यह एप्लीकेशन रहेगी बेस्ट। तो आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करिए। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी 4th नंबर की एप्लीकेशन के ऊपर जो कि आप लोग को ये भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो आप लोग को जाके इसको डाउनलोड कर लेना, मैं इसे करता हूँ ओपन और इस एप्लीकेशन का नाम है फोटोशॉप एक्सप्रेस और फ्रेंड्स ये एडोब की तरफ से है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं किसी भी एक इमेज को, तो मैंने उठा लिया है एक इमेज और फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर आप लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। देखिए जैसे ये कुछ नॉर्मल लगा वाइब्रेंट। तो फ्रेंड्स इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप लोग अपनी फ़ोटोज़ के कलर्स को एडिट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं
और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप लोग जाइए इसे चूज़ करिए। और देखिए यहाँ पे पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी कुछ खास मिल रखा हुआ है, तो अगर आप लोग को पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पसंद है तो आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ ज़रूर करिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, आप लोग को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये, मैंने काफ़ी यूज़ नहीं किया है बट यहाँ पे मुझे जो मैंने कम टाइम पे भी यूज़ किया उसमें ये बहुत ही अच्छा ऐप है। और यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन मिल जाता है, इससे ऐप से आप लोग अलग अलग काम कर पाएंगे, अलग अलग टाइप से एडिटिंग कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये है, तो आप लोग इसे देखिए, डाउनलोड करिए, इसका यूज़ करिए। और फिर फ्रेंड्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, तो ये काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है स्नैपसीड। और फ्रेंड्स इन सभी एप्लीकेशन की जो रेटिंग है वो 4.5 के अप्रॉक्स की रेटिंग है, तो मतलब ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी हैं। तो आप लोग जाइए इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, यूज़ करिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ने स्नैपसीड को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे ये फ़ोटो ओपन नहीं हुई है, तो चलते हैं हम लोग ओपन करते हैं कोई दूसरी इमेज। मैं एक अपना चैनल का लोगो ही ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पे आप लोग को कुछ टूल्स मिल जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग काफ़ी कुछ कर पाएंगे इस एप्लीकेशन का यूज़ कर पे ही, ये कई सारे टूल्स हैं, इनके आप लोग यूज़ करके अलग अलग टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था इस एप्लीकेशन का ओवरव्यू। हम लोग चलते हैं अपनी लिस्ट के सेकंड नंबर की एप्लीकेशन के ऊपर, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही खास पसंद है, इसका मैंने काफ़ी यूज़ किया है और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इस ये है एप्लीकेशन एडोब फोटोशॉप लाइटरूम। एंड फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग अपने अलग अलग खुद से इफ़ेक्ट्स बना पाएंगे, अलग अलग कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करने से आपकी एडिटिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये यूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये सब कलर्स बनाए हैं अपने इमेज पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन का यूज़ करके कितने अच्छे कलर्स बन सकते हैं, नॉर्मल इमेज से बहुत ही अच्छी एडिटिंग हो जाती है। तो आप लोग को ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, और इन एप्लीकेशन के मैं ट्यूटोरियल भी आगे लाऊंगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके आगे आप लोग को इनके ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे एडिटिंग के। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लाइट का, ब्राइटनेस का, सभी के लिए अलग अलग कलर्स को एडिट करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लोग चाहें तो इसके प्रीसेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इनके प्रीसेट कैसे डाउनलोड करना है या कैसे बनाने हैं खुद से प्रीसेट, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर वीडियो अगला ले आऊँगा। और फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, जो है पहली नंबर की एप्लीकेशन, और ये सभी लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ये इजी है यूज़ करने में, सिंपल भी है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये है पिक्सआर्ट। और ये आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो जाके आप लोग डाउनलोड करिए। और ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है, तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन को नॉर्मली हर कोई यूज़ करता है और ये बहुत ही अच्छा है एडिटिंग के मामले में, और इसके थ्रू आप लोग इजीली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से एडिटिंग कर सकते हैं, ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं, आपको मैं इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ग्रिड का ऑप्शन मिल जाता है, अलग अलग टाइप से फ्रेम्स मिल जाएंगे, और ये पहले से ही कुछ टैबलेट्स हैं और फोटो, अगर आप लोग इनमें से किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली वैसे एडिटिंग पर पहुंच पाएंगे। तो यूज़ करिए इन एप्लीकेशंस को और देखिए कैसे इनका यूज़ करना, और अगर आप लोग चाहते हैं इसके ऊपर वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस पर वीडियो लेके आऊँगा। तो एप्लीकेशन ये देखिए ओपन हो चुकी है, मेरी फ़ोटो भी ओपन हो चुकी है, और देखिए यहाँ पे हम लोग को टूल्स मिल जाते हैं अलग अलग टाइप से, इनके चलते हम लोग क्रॉप कर सकते हैं, बैकग्राउंड के रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं पहले से ही, तो आप लोग इन इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए। और ये ब्यूटी का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं,
और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, यहाँ कटआउट से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही ईजली। तो काफ़ी अच्छा है ऐप, आप लोग को जाके इसे यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जाके इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, एंड फ्रेंड्स इस चैनल को अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड फ्रेंड्स बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हम लोग की जो आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच पाएँ। एंड फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जाके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।